हेलो जी, आप कैसे हैं? आप भी श्याम बाबा की कृपा से कुशल मंगल होंगे। आइए, आज आपको सरल तरीके से पाव भाजी बनाना सिखा रही हूँ। मेरी फोटो न मत लेना। ये देखिए, ये अदरक हमने कस लिया है, ये हरी मिर्चा काट ली है, ये आलू उबाल लिए है, ये हरा धनिया है, ये चाट मसाला है, ये पाव रोटी है, ये पाव भाजी मसाला है, और ये हमने मटर और आलू एक ही साथ में कर दिए हैं। ये तेल गरम हो चुका है, इसमें पहले आप अदरक डाल दीजिए। इसको अब चला लेते हैं। इसमें अब हरी मिर्चा डाल रहे हैं, एकदम सरल तरीके से, जो भी घर में आपके पास हो उसके हिसाब से बना रहे हैं। ये हमारा ब्राउन हो चुका है अदरक और मिर्च, इसके साथ हम ये पूरा मटर और आलू पूरा एक साथ में डाल देते हैं। बढ़िया, इसको अब चला रहे हैं, थोड़ा इसको भूनने दे 2-3 मिनट, फिर इसमें मसाला मिलाते हैं। ये टमाटर हमारा पीस चुका है, डाल देते हैं। ये देखिए, अब इसको चला रहे हैं, इसको फोड़ देते हैं। आलू है जो, उसको एकदम मटर और आलू को साथ में फोड़ देते हैं। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, भाजी हमारी कम से कम 4 मिनट पक चुकी है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। और ये देखिए, इसमें कम से कम आप पानी डाल दीजिए अपने हिसाब से, मैं तो 1.5 गिलास डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। अब इसको चला रहे हैं, देना हो थोड़ा हम कलर डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये मसाला डाल रहे हैं, ये चाट मसाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना। ये देखिए, अपने स्वाद के हिसाब से आप पाव भाजी मसाला डाल देना। ये स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए, जितना आपको पसंद हो, और थोड़ी सी लाल मिर्च, जितनी आप खाते हो उसके हिसाब से डाल लेना। ये देखिए, पाव भाजी है, इसके हम 2 भाग कर लेते हैं, बीच में से 8 कर लिए हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे पूरी काट लेनी है, ऐसे देखिए, ये पूरी हमने पूरी काट चुके हैं। ये देखिए, तवा गर्म हो चुका है, इसको आप ऐसे तवे पे सेक दें। ये देखिए, हमारी पाव भाजी बन चुकी है, कलर देखिए इसका, और इसमें हम ये धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, रोशनी ला, इधर ला। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आपको अगर पानी वाली चाहिए तो पानी वाली खाना, अगर सूखी चाहिए तो सूखी बना लेना। ये तरीका आपको एकदम आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, कुछ टाइम नहीं लगेगा, जो आपके पास सब्जियां हैं उसी से आप बना लेना। ये देखिए, ये देखिए, हमारी पाव भाजी बन चुकी है, और ये पाव भाजी, ये सलाद के साथ खाइए, हरी मिर्च भी लीजिए आप साथ में, और इसको आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप आगे नई वीडियो जो भी डालूँगी आपके पास ज़रूर आएगी, और जो पोस्ट के लड्डू के बारे में बताया है वो कुछ टाइम मिला नहीं, इसलिए नहीं बना पाई। आपको पोस्ट के लड्डू कल बना के बताऊंगी अगली वीडियो में।